फॉर स्कॉलरशिप के लिए डोंट नीड टू हैव वेरी हाई पर्सन. हाँ मिला मुझे 1000 यूरोस का स्कॉलरशिप मिला. कैसे ख्याल आया कि बाहर पढ़ने जाना? एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, एक ही जिंदगी है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. अलिफ के बारे में कैसे पता चला? अलिफ ने मुझे प्रैक्टिकली देखना सिखाया है. सो कैसी लगी सर्विस? ठीक थी? बहुत ही अच्छा था. यूरोपियन कंट्रीज का एजुकेशन बहुत अच्छा है. प्रैक्टिकली करने जा रहा हूँ तो उस चीज का बहुत एक्साइटमेंट है. हेलो टू ऑल, welcome to my youtube channel and thanks for regularly watching our videos. My name is aslam sheikh and I am the founder and ceo of alif. Today we are going to discuss another very informative topic. Hi friends, we have got Kaushik today and he's flying to Ireland next month. So let's learn more from Kaushik. Kaushik, first tell me that what you have done in India and Mumbai so far in terms of your education and experience. I have passed on from KJ Somaya. I have done my BMM. It's a mass media. I am basically from a film background and an advertisement company. I have a 2 years and experience also. I have worked for different production houses like Cap Films, Alt Balaji. Achha. And the advertising companies for the pre-production and print media. एडवांस मीडिया. कैसे ख्याल आया कि बाहर पढ़ने जाना? मुझे बाहर पढ़ना था क्योंकि मेरे को वहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट करना था एंड एक ही जिंदगी है. तो मुझे जब बाहर पढ़ना तो मतलब एक्सप्लोरिंग, सो इसके लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा करके. सो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसके लिए करना ही है. वेरी नाइस. सो कौशिक, मेरा अगला सवाल कि यू हैव चोजन डीबीएस, डब्ल्यू मीडिया स्कूल फॉर योर एमएस इन डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग, तो आपके अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपने यूरोप और डब्लिन और डीबीएस यही क्यों चुना? आप कितने सारे ऑप्शन है? फर्स्ट, यूरोपियन कंट्रीज का एजुकेशन बहुत अच्छा है तो मैंने इसके लिए डब्लिन सुना. एंड डब्लिन इसलिए बिकॉज कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, तो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मोर ओवर अ फैमिली है. मैं जूनियर के जैसे उनके साथ में हूँ एंड हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है. सो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे डब्लिन में सोचा. अलिफ के बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू? उनसे ही पता चला मुझे कि उन्होंने ही बताया कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं. एंड फर्स्ट बेसिकली वो पैम्पर करते हैं एक बेसिक किड की तरह, उन्हें हर एक चीज बताते हैं, एक वो सामने से हमें कोऑर्डिनेट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं सब कुछ इन एंड ईज करते हैं विदाउट टेकिंग अ स्ट्रेस. सो कैसी लगी सर्विस? ठीक थी? बहुत ही अच्छा था. तो बहुत ही बेस्ट था एंड बहुत कन्वीनियंट था इन ऑल द टर्म्स, कम्युनिकेशन वाइज एंड डॉक्यूमेंटेशन वाइज, एवरीथिंग इज द बेस्ट. थैंक यू कौशिक. सो फ्रेंड्स, मेनी टाइम्स यू वाज बी वंडरिंग कि पहली बार आप जा रहे हो, हाउ वुड द प्रिपरेशन वुड बी एंड देन हाउ द लाइफ वुड बी. तो उससे रिलेटेड हम बहुत सी कोशिश करते हैं कि वी विल ब्रिंग फोर्थ that experience back in India so that you can live in imagining about that life. Yeah. And Kaushik, how was your pre-departure session experience? It's very good. बहुत कुछ सीखने मिला. एंड मोर ओवर जो मैं सिर्फ सुन रहा था, देख रहा था, अभी जो हमने देखा था, अभी मैं प्रैक्टिकली करने जा रहा हूँ तो उस चीज़ का बहुत एक्साइटमेंट है एंड बहुत अच्छा लगा. एंड अलिफ ने मुझे प्रैक्टिकली देखना सिखाया है तो दैट्स वाई प्री डिपार्चर में भी उन्होंने भी सिर्फ प्रैक्टिकली बातें की है. वो सिर्फ फिल्मों में वाला ऐसा चीज़ नहीं, तो प्रैक्टिकली वाला चीज़ बताया उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू कौशिक. एंड लास्ट थिंग अबाउट द स्कॉलरशिप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कुछ स्कॉलरशिप मिली तुमको कॉलेज से? हाँ मिला मुझे, 1000 यूरोस का स्कॉलरशिप मिला. ओके, बहुत ही बड़ी बात है एज इन अभी के लिए सिचुएशन से, तो बहुत ही. सो फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे सॉरी बोलना चाहूंगा कि फॉर स्कॉलरशिप के लिए डोंट नीड टू हैव वेरी हाई परसेंटेज. कितने परसेंटेज थे तुम्हारे बीएमएम में? BMM में मुझे 60 above था. Okay, you can still have a average percentage and you can still get the scholarship with the help of Alif. So I'm sure that you will be happy and exciting about starting your new journey. Yeah, thank you. Okay, all the best, Kaushik. Yeah, thank you.